हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अख्तर एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक्टर कार्तिक आर्यन की बारे में। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कैसी थी, आज हम सब जानेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर एक में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म प्यार का पंचनामा। दोस्तों, प्यार का पंचनामा मूवी 20 मई 2011 में आया था। कार्तिक अपनी करियर यानी डेब्यू किया था इस फिल्म से। इस फिल्म का बजट था 10 करोड़, कलेक्शंस किया था 7.5 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी एवरेज। नंबर दो में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म आकाशवाणी। दोस्तों, आकाशवाणी मूवी 25 जनवरी 2013 में आया था। इस फिल्म का बजट था 10 करोड़, कलेक्शंस किया था 2.24 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर तीन में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म कांची। दोस्तों, कांची मूवी 25 अप्रैल 2014 में आया था। इस फिल्म का बजट था 24 करोड़, कलेक्शंस किया था 5 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर चार में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म प्यार का पंचनामा 2। दोस्तों, प्यार का पंचनामा 2 मूवी 16 अक्टूबर 2015 में आया था। इस फिल्म का बजट था 22 करोड़, कलेक्शंस किया था 88 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरहिट। नंबर पांच में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म गेस्ट इन लंदन। दोस्तों, गेस्ट इन लंदन मूवी 7 जुलाई 2017 में आया था। इस फिल्म का बजट था 28 करोड़, कलेक्शंस किया था 11 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर छह में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म सोनू के टिटू की स्वीटी। दोस्तों, सोनू के टिटू की स्वीटी मूवी 23 फरवरी 2018 में आया था। इस फिल्म का बजट था 40 करोड़, कलेक्शंस किया था 152 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी ब्लॉकबस्टर। नंबर सात में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म लुका छुपी। दोस्तों, लुका छुपी मूवी 1 मार्च 2019 में आया था। इस फिल्म का बजट था 25 करोड़, कलेक्शंस किया था 128 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी सुपरहिट। नंबर आठ में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म पैटी पत्नी और वो। दोस्तों, पैटी पत्नी और वो मूवी 6 दिसंबर 2019 में आया था। इस फिल्म का बजट था 28 करोड़, कलेक्शंस किया था 117 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट। नंबर नौ में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म लव आजकल 2। दोस्तों, लव आजकल 2 मूवी 14 फरवरी 2020 में आया था। इस फिल्म का बजट था 40 करोड़, कलेक्शंस किया था 52 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी फ्लॉप। नंबर 10 में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म धमाका। दोस्तों, धमाका मूवी 19 नवंबर 2021 में आया था। इस फिल्म का बजट था 40 करोड़, कलेक्शंस किया था 135 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट। नंबर 11 में आ जाते हैं कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2। दोस्तों, भूल भुलैया 2 मूवी 20 मई 2022 में आया था। इस फिल्म का बजट था 22 करोड़, कलेक्शंस किया था 90 करोड़। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हुई थी हिट।